initial state or final state, is it feasible to get in reality these two initial and final stages? थोड़ा अटेम्प्ट करिए. निशा, आप अभी बता रहे थे, कैन यू थिंक इन दैट लाइन कि इनिशियल और फाइनल स्टेजेस में रियली क्या एग्जिस्ट करेगा? स्लाइड का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका मीनिंग समझ में आ रहा है? यस सर. इनिशियल स्टेज में भी तो इंटरैक्शन होंगे. हाँ, तो हमने जो अज्यूम किया वो रियल है कि हाइपोथेटिकल है? सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन. फर्स्ट केस जो है दैट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन. व्हाई? बिकॉज इफ द आयंस आर देयर वी कैन नॉट से दैट नो इंटरैक्शंस आर देयर. बट टू डेवलप द थ्योरी व्हाट वी आर अज्यूमिंग, वी आर जस्ट कंसीडरिंग दैट देयर इज एन इनिशियल स्टेट वेयर नो चार्ज नो आयन इंटरैक्शन एग्जिस्ट एंड अ फाइनल स्टेज इज देयर. Final stage, no problem is there. You are saying that interactions are there, which is most likely to be there. So when we talk in this term, we are indirectly saying a hypothetical initial state and a real final state, and the difference of the two would be equated delta G IL. हालांकि आपको derivation नहीं करना है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये expressions कहाँ से आ रहे हैं. So the thing which I just mentioned is being given here. The first one is a hypothetical situation where the ions are in solution but no interaction. And secondly, it is the state of interaction. So if you are considering this attraction as electrostatic in nature, you are saying that you are first hand having an assembly of discharged ions. आपने कहा ना, वहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म में तो वो डिस्चार्ज हो गया, अभी तो इंटरेक्शन नहीं है. और इससे आप जा रहे हैं कहां? इंटरेक्शन की तरफ. सो ये जो चार्जिंग का वर्क है, अगर वो हम कैलकुलेट कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग वर्क, तो वो आयन आयन इंटरेक्शन आपको मिल जाएगा वहां से. समझ पा रहे हैं इस बात को अभी जो हमने आपको बताया? और दूसरा, आपको जो ये केमिकल पोटेंशियल के एक्सप्रेशन लिखने होंगे, जब भी आप सोल्यूशन में जाएंगे, इट इज नॉट द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वन आयन. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, द असेंबली वुड प्रोवाइड यू द प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन. तो आपका एम क्या है? यू नीड अ सिंगल आयनिक स्पेसीज केमिकल पोटेंशियल चेंज, तभी तो उसको केमिकल पोटेंशियल नाम दिया. लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ऐसा मेंशन किया था दैट chemical potentials meaning is what we are trying to do, we are trying to get the enhancement in the property of a solution by addition of a constituent. लगातार दो क्लासेस से हम लोग ये एक्सप्रेशंस यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, d by g by d by ni at constant t, e and nj, that is by definition chemical potential. तो हमने आपको बताया दो अप्रोच हैं, एक है आयन आयन इंटरेक्शन निकालने के लिए कि हम फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर लें वंस फॉर अ हाइपोथेटिकल इनिशियल स्टेट गोइंग टू अ रियल आयनिक स्टेट, उस डिफरेंस को यूज कर लें फॉर डेल्टा जी आई आई. और दूसरा है हम केमिकल पोटेंशियल के एक्सप्रेशंस लिख लें, वन फॉर आइडियल सॉल्यूशन देन फॉर रियल, एंड द डिफरेंस ऑफ द टू वुड बी यूज्ड as the contribution of ion-ion interaction. This thing we can show you with the help of MC. अभी हमने आपको जो भी बातें बताई उसमें ये दो स्टेजेज हैं, वन इनिशियल स्टेट इज देयर व्हेन नो ion-ion इंटरेक्शन आर देयर, विच यू जस्ट हैव सेड दैट इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. नाउ वी आर वर्किंग ऑन ion-ion इंटरेक्शन, we just reached to the final state. So inhi dono ka jo difference hoga, that can be equated to delta G II. Ab jo apne yaha tha ki koi interaction nahi hai, iska meaning kya hua? Wo discharged ions ki assembly hai. Aur jo final stage hai, wo charged ki assembly hai. So indirectly aap kya kar rahe hain?
ये है कि डिस्चार्ज आयंस को हमने चार्जिंग वर्क के द्वारा चार्ज कर लिया और उसी को हम डेल्टा जी आई आई के बराबर मान लिया। लेकिन ये सारी बातें तो पूरी असेंबली के टर्म में हो रही हैं, केमिकल पोटेंशियल तो आपको एक इंडिविजुअल स्पेसीज के रिस्पेक्ट में चाहिए। इसका मतलब आपने क्या कहा, आपका एक ही रेफरेंस आयन है जो डिस्चार्ज है और इसी को चार्ज करना है हमको। उसमें जो वर्क आया दैट कैन बी इक्वेटेड टू डेल्टा म्यू आई आई। दोनों के डिफरेंस को समझ पा रहे हैं? जो ये फिगर्स अभी स्लाइड में आपको दिख रहे हैं इससे आपको कुछ बेसिक आइडिया मिल रही है कैसे थ्योरी डेवलप करते हैं, या कोई डिफिकल्टी हो रही है इस स्टेज पे? इस स्लाइड में हमने जो पिछला डिस्कशंस किया उसी का ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसमें क्या अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। आपको बताया जो ही आपने कहा कि ये डिस्चार्ज आयंस की असेंबली है जो इनिशियल स्टेज है और फाइनल स्टेज आपने कहा दैट इज चार्ज बॉन्ड, तो ये जो चार्जिंग का वर्क है यही हमको देगा आयन एन इंटरेक्शन। फिर हमने बताया आपको दिस आईएच स्पेसीज विच वी आर कंसर्न्ड विद, विच वी आर अज्यूमिंग एज इट इज द स्पेसीज विथ विच द रेस्ट ऑफ द असेंबली इज इंटरेक्टिंग एंड वी आर ट्राइंग टू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर केमिकल पोटेंशियल ऑफ दिस स्पेसीज। सो दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज शोइंग यू दैट व्हाट अप्रोच वी अडॉप्ट इन फॉर्मुलेटिंग डेबाई हुकल एक्सप्रेशन फॉर मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, आप ये समझ पा रहे हैं ना? कोई डिफिकल्टी है तो आप भी बताइए। शिवांगी बर्नवाल वेयर यू वर देयर कैन यस सर। यू अटेम्प्ट इट एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम्स विथ दिस डिस्कशन? So previously my connection was lost, so that's why I'm trying to understand. We are just saying that in formulating the theory related with ion-ion interaction, whatever approach is, we are considering two stages. One we are calling initial stage, second we are calling final stage, and the work which we are performing during this, that work is equated to the work of आयन एन। इस पूरे डिस्कशन में हम लोग आयन एन इंटरेक्शन को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक क्योंकि हमको फाइनली थियोरिटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट। लेकिन उस एक्सप्रेशन को डेवलप करने के लिए आपने फर्स्ट हैंड एक मॉडल एज्यूम किया विच यू कॉल दैट डेबाई हुकल मॉडल। उसमें आपने आयन के सोल्यूशन में एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया, मोर ओवर आयन आयन इंटरेक्शन को कंसिडर किया। नाउ आयन आयन इंटरेक्शन को कैसे क्वांटिफाई करें, क्योंकि वो तो कोई फिजिकल फेनोमेना है जो सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए आपने ये स्लाइड पे शो किया कि हम करने क्या जा रहे हैं, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग एन इनिशियल स्टेज रीचिंग टू फाइनल वर्क of ion and interaction can be obtained from here. Work of ion and interaction is to be obtained from discharged ions getting them charged. But since you are attempting to get contribution of one reference ion, and that's why you are showing that the chemical potential arising due to charging of this reference ion can be taken as delta mu ii corresponding to the ith species. ये बैकग्राउंड था जिसके हेल्प से हम लोग एक्सप्रेशन स्टैब्लिश करते हैं। अभी आपको ये डायरेक्टली मेन एक्सप्रेशन दे दिया हमने विच इज रिफर्ड एज डेबाई हुकर लिमिटिंग लॉ एंड इट गिव्स अस अ मेथड टू कैलकुलेट मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट गिवन एज
log of mean activity coefficient is equal to a constant from A, multiply two charges, the cation and the anion, and this gives you the ionic strength. So square root of ionic strength is utilized here. The value of A is governed by the properties of solution in the form of dielectric constant of the medium. Solvent properties are utilized here, and T is the temperature. So since you need not to do the derivations, but the background you must know, that where from this expression comes. In deriving this expression, we have made use of ion-ion interaction. Consider the charges as point charges. We have considered only electrostatic interaction. We have considered the dielectric constant of the medium remains to be same throughout. So once we have made certain assumptions, then we calculated the potential for the difference ion, and that was equated to the charging work to establish this expression for mean activity coefficient. This is the general de Bayh-Hückel expression for mean activity coefficient of the electrolyte. Now, if you put certain limiting cases, for example, if you are working with symmetrical electrolytes, jinka Z plus or Z minus same ho, what you are saying, 1:1, 2:2, 3:3. In that case, I becomes equal to Z into C, where Z is the valence of the ion. So in that case, the mean activity coefficient expression gets reduced to minus A Z cube and square of C. If you are using 1:1 electrolyte, performing the experiment at 298 Kelvin, water you are using as the medium, as the solvent, whose dielectric constant can be taken as 78.54. The A can be calculated, comes out to be 0.5091. I becomes equal to C for a 1:1 electrolyte. And that's why you get, for such cases, the mean activity coefficient expression reduced to minus 0.509 square root of C. तो जब आप डे बाय-हुकल लिमिटिंग लॉ का एक्सप्रेशन कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों एक्सप्रेशंस लिखे हुए मिलेंगे, एक जनरलाइज, एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और दूसरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन, सो एक्वस के केस के लिए भी आपको ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिलेगा। आप देखेंगे टेक्स्ट में जाएंगे जब भी, डे बाय-हुकल लिमिटिंग लॉ इज रिटन एज लॉग F plus minus is equal to minus A Z plus Z minus square root of I. Gets reduced to minus 0.509 square root of C for 1:1, for 298 Kelvin temperature, for dielectric constant value 78. ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? और do you have any queries with respect to the parts we are showing till now? If you have any doubt, you please no, ask. Sir. At this instance, you can ask that how it comes, what is the significance of a term, and how it can be utilized. Because now we'll move to the application part. Application means how this limiting law can be utilized. कोई doubt हो रहा है आपको अभी? सर, इज डी कांस्टेंट फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स? ए डी डी इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इफ यू आर यूजिंग वाटर, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर विल बी यूज्ड। इफ यू आर यूजिंग इथेनॉल, द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इथेनॉल विल बी प्लेस्ड देयर। फॉर मिथेनॉल, फॉर एसीटोन, और समटाइम्स वी यूज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, से 60% वाटर एंड 40% इथेनॉल, 60% water and 40% acetone. So in that case, the dielectric constant of the medium which you are applying will be first calculated, and that will be placed as D. Last जो limiting case आपको दिया था वहां पर aqueous solution के लिए, तो water का 298 Kelvin पे जो dielectric constant
वैल्यू है वो हमने डायरेक्टली वहाँ यूज कर दिया, तो ए कैलकुलेट कर दिया एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.509, मोस्ट ऑफ द टाइम रिटर्न है 0.51। तो आपको बी की वैल्यू पुटअप करनी होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट विच यू हैव अप्लाइड। ठीक है, और कोई डाउट है आपको? हाँ So if someone asked that what's the need of taking out activity coefficients, then what would be answer, sir? Activity coefficient gives us an idea about the departure from the ideal behavior. So whatever discrepancies we observe for real solution, as ideal solution, that discrepancy can be accounted with the help of this activity coefficient value. The more and more we away, we go away from value one, that shows the extent of departure. Activity coefficient is required to get effective concentration of an electrolyte. एक लाइन में अगर बताना है तो ये एक्टिविटी कोफिशियंट हमको क्यों जरूरत है, हम इसकी मदद से रियल जो कंसंट्रेशन है जो इफेक्टिवली अप्लाई हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम क्या करते हैं, सी डायरेक्टली यूज करते हैं, लेकिन सी मेरा उतना पार्ट सोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो रियली कितना पार्ट वहां पर ज्वाइन कर रहा है वो हमको चाहिए, विच वी इन कॉमन टर्म्स से इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन और इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, दैट वी गेट फ्रॉम एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है, any other thing? Yes. We can move to the next slide. Can we go ahead with the next slide? Anjali, Rana, I can see. You are there? Yes, sir. आप late join कर रहे हैं, क्या issue है? Sorry, sir. I slept a little bit more. Sorry, sir. You are getting the points which we are showing here? Since I joined late, so I'm not getting all the points, but activity coefficient and till now, whatever you discussed, I am getting, and after the class, I'll read it. That's fine. This activity coefficient expression, we are directly making use of because we need not to go for the derivation. But in the previous few slides, I just have given you a background. With the help of that, we have established this expression. Now coming to the experimental validation, what we understand by experimental validation? कोई भी आपने से बताया संगे कि experimental validation का मतलब क्या होता है? So when we check a theoretical value with doing the experiment, then it shows that कि कितना सही है हमारा जो भी हम लोगों ने लिया। Very good. जब भी कोई theory आप develop करना चाहते हैं, you develop the theory, you formulate that theory on the basis of certain assumptions which you call model of a particular aspect. So now this model has to be tested over experimental grounds. It means we'll see how much it is fit over the reality. So this expression which was given for the calculation of activity coefficient will now be tested over the experimental grounds, how it behaves. And if it fails, then we try to look for the assumptions made, because from there only you can get an idea what were the possible flaws because of which you are getting a departure from the ideal behavior. So when you just come to this slide of experimental validation, ye slide aap dekh pa rahe hain, some points are mentioned here. Pichla slide mein aapko expression de diya yahan par. This was the main expression, log f plus minus is equal to minus a z plus z minus square root of 5. ये आपका main Debye-Uchel का generalized expression है। अभी उसको validate करने जा रहे हैं। तो उस validation के predictions क्या-क्या होंगे? First one, the log of mean activity coefficient must decrease linearly with the square root of the ionic spin. ये समझ में आ रहा है? उस expression से तो सीधा दिख रहा है कि अगर हम मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट का लॉग को प्लॉट करें विद द आयनिक स्प्रिंग, वी शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन हैविंग सर्टेन स्लोप एंड दैट स्लोप शुड बी इक्वल टू माइनस ए
जेड प्लस इंटू जेड माइनस, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। थर्ड पॉइंट, अगर सिमिलर वैलेंस टाइप है तो उन सभी का सिमिलर स्लोप आना चाहिए, सभी को सिमिलर कर्व मिलना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या दिया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंडेंसी कैसे होनी चाहिए, डी रेस टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, क्योंकि यहाँ पर है डी रेस टू द पावर माइनस थ्री बाई टू। और जब आप सी को जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं तब क्या होगा, ये वन को अप्रोच करेगा, उस केस में इसका वैल्यू वन आ जाएगा क्योंकि वहां पर इंटरवेनिंग फोर्स है नहीं अभी। तो ये पांचों पॉइंट्स आपको समझ पा रहे हैं क्या इसका मीनिंग है, पांचों पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। लास्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, अगर एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में तो आयनिक इंटरेक्शन मिलेगा नहीं आपको, आयंस विल बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो इन दैट केस दिस ए प्लस माइनस वैल्यू बी टेन टू वन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है जानते हैं, व्हेन यू से इट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली व्हाट इट्स मीन, द सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट बढ़ा देना था ताकि उसका आयन आयन इंटरेक्शन कम हो जाए, जितना मैक्सिमम डाइल्यूट कर सकते हैं, दैट यू एज्यूम एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो यू जस्ट मेक द सॉल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट and at that time what you expect that now the ion-ion interactions are no more existing and the value of a plus minus 1 approaches to 1, that is written here, since log f plus minus approaches to 0 the f plus minus value approaches to 1, rest of the things are simply straightforward coming from the plot which we call Debye-Uchel plot. The plot is log of a plus minus versus square root of I. Now you see, when this testing was made, what has been observed? First, there is an excellent agreement between experiment and theory for electrolytes of low valence ion. You see, we are saying that for low valency ions, there is an excellent agreement. We are saying that the plots are most of the time linear. We say that this can be grouped as per valence type. We are saying that low valency ions and the solvent of high diversity constant, things are fine. So qualitatively, every prediction is in accordance with the theory. यहाँ क्या क्या चीजें हैं जो आपको हिंट कर रही हैं कि इस एक्सप्रेशन का लिमिटेशन क्या है, इस स्लाइड के बेसिस पे जो भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं वो किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, किन लिमिटेशंस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। आदित्य यादव we join first today, can you just express that what these predictions given in the slide are indicating? Aditya, aapko hamari awaaz mil rahi hai? Yes sir. ye slide pe jo hum logo ne predictions likhe hain aur agreement show kiya hai to ye kya indicate kar raha hai, koi discrepancy ki taraf indicate kar raha hai ya koi difficulty ki taraf? किसी डिफिकल्टी की तरफ ये इंडिकेट कर रहे हैं? अभी तो नहीं पता चल रहा। रामेश्वर, रामेश्वर कैन यू हियर मी? सौरव? यस सर। ये जो स्लाइड में चार पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स किसी डिफिकल्टी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? अच्छा, स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। यू सी,
क्या लिखा है यहाँ पर, एक वर्ड लिखा है लो वैलेंसी आयंस। आपने कोई थियरी डेवलप की तो वो केवल लो वैलेंसी आयंस पे एप्लीकेबल है, इसका मतलब है कि हाई वैलेंस जाने पे कोई डिफिकल्टी आने वाली है? यस सर। ठीक है, यहाँ क्या लिखा, पर्टिकुलरली सॉल्वेंट्स ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगेन इट शोज समथिंग कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम करेंगे, इसका इंडिकेशन है कि फिर ये वहां अप्लाई होगा नहीं। दो फैक्टर्स आपको यहां से मिले, इफ यू गो फॉर हाई वैलेंसी, इफ यू गो फॉर लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड इफ यू मूव टुवर्ड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, ऑल द थ्री आर लीडिंग टू डिस्क्रिपेंसी इन ऑब्जर्वेशंस found theoretically when compared with the experiment. एक स्लाइड आपको और दिखा रहे हैं, देखिए, these are the values of activity coefficient for various electrolytes at different concentrations. देखिए अभी 1:1 HCl है, उसके different concentrations दिए हैं, values for mean activity coefficient is 0.9861429752 and 9656. Concentration we have made two times. ये पहला इंडिकेटिव है, आप वन से जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा डिपार्चर मिलेगा आपको। जब आपने एक्सट्रीमली डाइल्यूट लिया, इट इज अप्रोचिंग टू वन, जैसे जैसे आप बढ़ाते गए, Now it is moving away from one. ये तो केस था 1:1 इलेक्ट्रोलाइट का। जब 2:1 पे आए, अभी क्या हो रहा है, ऑलरेडी इट इज डिपार्टेड फ्रॉम वन इवन एट अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, नाउ यू सी यू रीच टू 0.73। और आगे चलिए, डिस्कस्ड 2:2 कैडमियम सल्फेट। कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत कम है उस केस में भी इट इज 0.77। जब आप 5 टाइम्स पे आ गए, व्हाट यू आर गेटिंग 0.47। तो ये टेबल आपको बहुत कुछ बता रही है, टेबल आपको दिखा रहा है एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन द डिपार्चर इज मोर एंड मोर। पहला एस्पेक्ट बताया आपको, सेकेंडली एज यू मूव फ्रॉम हायर वैलेंस 1:1 2:1 2:2, जैसे जैसे आपने वैलेंस बढ़ाया, ये जो डिफरेंस है वो बढ़ता गया, ये जो डिफरेंस है वो बढ़ता गया। ये स्लाइड ने आपको क्या दिखाया, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, towards high valency, towards low dielectric. अभी dielectric का इफेक्ट आपको नहीं दिखाया यहाँ पर, केवल आपको दिखाया valence of the ions और दूसरा आपको दिखाया concentration. इसलिए ये जो expression आपने establish किया, इसको हम लोग बोलते हैं it is limiting law because it has limitations over its applicability. ये बार बार हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात क्यों करते हैं, वैलेंस टाइप, उससे क्या समझते हैं आप, वैलेंस टाइप का मीनिंग समझ में आता है आपको, या वैलेंस टाइप क्यों हम लोग बार बार रिफर कर रहे हैं, इस थ्योरी से क्या मिल रहा है हमको, थ्योरी का वैलेंस टाइप से क्या रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन आयनिक स्ट्रेंथ से है वैलेंसी का, और ये मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। वैलेंस टाइप हम लोग इसलिए बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडीज नहीं करते हैं, वी हैव ग्रुप देम टुगेदर। जब हमने 1:1 कर दिया, इसका मतलब हुआ कि वो HCl पे भी अप्लाई होगा, वो NaCl पर भी अप्लाई होगा, वो KCl पर भी अप्लाई होगा, वो NaNO3 पर भी अप्लाई होगा, वो KNO3 पर भी अप्लाई होगा। तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें कैटायन और एनायन का वैलेंस टाइप सेम है, दे विल बी ग्रुप टुगेदर।
तो इसी स्टडी में इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडीज नहीं की जाती हैं, यहाँ हम लोग उसको ग्रुपिंग कर देते हैं, और ग्रुपिंग करने के पीछे रीजन क्या है, ऐसे सारे इलेक्ट्रोलाइट उनका जो भी नेचर है अगर वैलेंस टाइप सिमिलर है तो हमको उनका इफेक्टिव जो आयनिक स्ट्रेंथ मिलेगा दैट विल रिमेन सेम। अदरवाइज क्या होता है, आप अगर अपना इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते तो प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए, बट ऑब्जर्वेशन इज द मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट ओवर ओनली आयनिक स्ट्रेंथ एंड द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ सिमिलर वैलेंस टाइप रिमेंस सेम। ये कारण है कि आप बार बार वैलेंस टाइप की बात करते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात नहीं करते। तो एक वैलेंस टाइप का प्लॉट एक जैसा होगा, उसका स्लोप सिमिलर होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट यू हैव टेकन फॉर योर स्टडीज। एक और स्लाइड में आपको दूसरी स्लाइड में प्लॉट्स दिखाए हैं, वो आपको यहाँ शो कर रहे हैं, दो प्लॉट्स दिखा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग की हम लोग क्योंकि बात कर रहे थे, इसलिए हम देखना चाहते थे कि थियरी और एक्सपेरिमेंट में कितना डिपार्चर है। यहाँ पर ये टर्म्स यूज किया गामा, वी आर यूजिंग एफ, दैट डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंस हियर, यू कैन राइट इट एज गामा प्लस माइनस और एफ प्लस माइनस, दिस इज आयनिक स्ट्रेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 5। यू सी दिस प्लॉट इज एज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द डे बायोकल थ्योरी, जब हमने लॉग मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट को स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ प्लॉट किया तो एक्सपेक्टेड था एक लीनियर प्लॉट और इसका स्लोप होगा माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोलाइट वी आर गेटिंग डिपार्चर। ये जो रेड से शो कर रहे हैं दैट आर द रियल कर्व्स। जिंक क्लोराइड का ये प्लॉट होना चाहिए, डिपार्चर के बाद हमको ऐसा मिलता है। कॉपर सल्फेट का ये प्लॉट एक्सपेक्टेड था, डिपार्चर के बाद हमको ऐसा मिल गया। दिस टू 1:1, दिस वन 2:1, दिस वन 2:2। यहाँ भी वही दिखा रहा है, NaCl के लिए अगर उन्होंने किया एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में दे गॉट अ गुड कोहेरेंस बिटवीन थियरी एंड एक्सपेरिमेंट पर 1:1, जब 1:2 पे गए दे आर गेटिंग सर्टेन डिपार्चर। ये जो डाटा पॉइंट दिखा रहा है ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, और ये जो थिक लाइन से शो कर रहा है दैट इज द थियोरेटिकल कर्व। जब 2:2 पे गए तो डिपार्चर और ज्यादा दिख रहा है। ये टेस्टिंग के पार्ट है, आपने जो थियोरी डेवलप की उसका टेस्टिंग का पार्ट है कि आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है। एक और टेस्टिंग का आपको डाटा दिखा रहा है। सी एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल वैल्यूज ऑफ मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, आपने कंसंट्रेशन ले लिया, ये मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर लिया, ये कैलकुलेशन से है, लिमिटिंग लॉ से कैलकुलेट किया गया, ये एक्सपेरिमेंट से मिला, ये थियरी से कैलकुलेट किया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये शो करना चाहते हैं कि अगर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है तो थियरी और एक्सपेरिमेंट आपको लगभग सिमिलर वैल्यूज दे रहा है, थियरी एक्सपेरिमेंट, लेकिन जब आप 2:2 पे काम कर रहे हैं यू सी फॉर 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 0.387, थियरी प्रिडिक्ट्स 0.517, एक्सपेरिमेंट गिव्स 0.608, थियरी प्रिडिक्ट्स 0.745। तो जैसे जैसे आपने वैलेंस बढ़ाया, जैसे जैसे आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल के डिफरेंसेज बढ़ते गए। अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैरी करेंगे उस केस में भी ये डिफरेंसेज बढ़ते जाएंगे। 1:1 लिया, सिमिलर आया, थियरी भी दिया वही वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से मिला, थियरी ने वही वैल्यू दिया जो एक्सपेरिमेंट से मिला, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट का वैलेंस टाइप चेंज किया डिफरेंस मिलना शुरू हो गया। यू कैन सी 6.10 एंड 3.98, ऑलमोस्ट 80% चेंज, लेकिन 1:1 में इवन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बहुत कम कर दिया आपने, 33 पे ले आए, स्टिल देयर इज अ गुड कोहेरेंस बिटवीन थियरी एंड एक्सपेरिमेंट। इन डाटा का पर्पज क्या था, इस सारा डाटा को शो करने का एक ही पर्पज है, आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस और थियोरेटिकल प्रिडिक्शंस के डिफरेंसेस को हाईलाइट करना।
तभी तो आप ये गेस करेंगे कि वहाँ डिफिकल्टी क्या है, या अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो तीन चार एग्जाम्पल्स आपको दिखाया इनका पर्पज था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन शो करना, इफेक्ट ऑफ वैलेंस टाइप शो करना, और इफेक्ट ऑफ डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट शो करना। तो ये जो थ्योरी है डेबायोकल थ्योरी का एक्सप्रेशन, इट इज वेल एप्लीकेबल टू लो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स डायलूट सोल्यूशंस, इट इज एप्लीकेबल टू लो वैलेंस आयंस जस्ट लाइक 1:1, इट इज वेल एप्लीकेबल टू द सिस्टम्स वेयर द सॉल्वेंट है वेरी हाई डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। लेकिन जो ही आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, जो ही आपने वैलेंस इंक्रीज किया, और जो ही आपने डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को रिड्यूस किया, थियरी और एक्सपेरिमेंट के डिपार्चर्स शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो फैक्टर्स तीन हम लोगों ने कंसीडर किए, हाई वैलेंस, हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसमें ऐसा क्या हो जाएगा कि डिपार्चर मिलने लगेगा, बताइए। ये जो अभी स्टेटमेंट हमने दिया, डेबायोकल लिमिटिंग लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाई वैलेंस, हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मीडियम्स, ये स्टेटमेंट है। लेकिन ऐसा होने के पीछे रीजन क्या होगा, कोई भी आप में से बताइए। सर आयन आयन इंटरेक्शन। हाँ सौरभ भी बता रहे हैं, शिवांगी भी, बाकी लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करना होगा। आप जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्लास पे नहीं आएंगे आप, तब तक आपका ये बैकलॉग की तरह से इकट्ठा होता रहेगा, बाद में एक साथ पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। अभी जो जो पॉइंट्स हम लोगों ने मेंशन किए उनका कारण क्या है, चाहे हम हाई कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर रहे हैं, चाहे हम हाई बैलेंस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे हम लो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बता रहे हैं, ये कंडीशंस हैं ग्रेटर आयन आयन इंटरेक्शन के। तो एक तरीके से ये जो ऑब्जर्वेशन है ये डेबायोकल थियोरी ऑफ आयनिक इंटरेक्शन को प्रोपाउंड कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, दैट इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट द आयन आयन इंटरेक्शन एग्जिस्ट एंड प्लेज अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी जो डिपार्चर्स मिले इनके रिस्पेक्ट में करेक्शंस करने चाहिए, वही करेक्शंस जब हम इंक्लूड करेंगे तब हम उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड डेबायोकल लिमिटिंग लॉ। एक्सटेंडेड वर्ड डालेंगे मतलब हम उसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो जिन कारणों से ये डिपार्चर्स आ रहे हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और जो लिमिटिंग वर्ड है इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, एंड करेक्शंस टू डेबायोकल लिमिटिंग लॉ नोन एज एक्सटेंडेड डेबायोकल लिमिटिंग लॉ, वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एक स्लाइड हम आपको और दे दे रहे हैं, विच यू कैन नोट इट डाउन, जस्ट दिस स्लाइड यू कैन सी वी आर गोइंग फॉर दिस लास्ट स्लाइड, टुडेज लास्ट स्लाइड। Just as I have given you in the last class, this last class of 16, I'm just coming to this slide. This class was of 16th September probably. I have given you some questions on the previous class, similar to that. This was the class of 16th. आपको ये स्लाइड मिल रही है ना, देख पा रहे हैं आप? यस सर। लास्ट स्लाइड हमने दिया है आपको, पिछली स्लाइड के भी क्वेश्चन, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन थे उसको हमने फिर से रिपीट कर दिया है, आज के ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं डिस्कशन के लिए। क्लास के साथ साथ रन करिए, जैसे जैसे हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उसी के पैरेलल आप अगर अपना तैयार करेंगे, विल नॉट बी एनी बर्डन फॉर यू एट द लास्ट मोमेंट। अभी से आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, क्लास के साथ रन करिए, कोई डिफिकल्टी आएगी तो आप पाएंगे।
और अगर लास्ट में पढ़ाई करेंगे, लास्ट में स्टार्ट करेंगे, तो ये पूछने वाला पार्ट आपका नहीं हो सकता और क्लासरूम भी आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो मेरा एक जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास के साथ पैरेलल चलिए। उस दिन नहीं कर पाते हैं, नेक्स्ट डे कर लीजिए, लेकिन थोड़ा टाइम दे करके अगली क्लास में आने के पहले पिछली क्लास तक के जो भी डिस्कशंस हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? विल मीट अगेन नेक्स्ट थर्सडे फॉर योर नेक्स्ट क्लास। सो यू मे सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए सर, हाउ टू कैलकुलेट मीन आयनिक मोलैलिटी? मीन आयनिक, जैसे आपको मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन दिया है ना, एफ प्लस माइनस इज इक्वल टू एफ ए रेज टू द पावर एक्स, एफ बी रेज टू द पावर वाई एंड होल रेज टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस वाई। तो एफ को रिप्लेस कर दीजिए एम से, दैट विल गिव यू द मीन मोलैलिटी। आपको पिछले क्लास में एक एक्सप्रेशन दिया है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालने के लिए, यस सर, उसी में एफ को एम से रिप्लेस कर दीजिए तो मीन मोलैलिटी निकल जाएगी। एक करके देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर बता, एक दो प्रॉब्लम देख करके बताएंगे, करके बता देंगे आपको। लेकिन एक्सप्रेशन मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट वाला जो दिया है आपको, उसी में एफ को रिप्लेस करके एम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सर, एक बार कैलकुलेट कर आप अपनी, सर आप अपनी स्लाइड्स शेयर करेंगे हम लोगों को क्लासरूम में? कोर्स पूरा हो जाएगा तो शेयर कर देंगे, एक साथ कंप्लीट स्लाइड शेयर कर देंगे। अभी आपकी तरफ से हमको लिखना चाहिए, लिखना आना चाहिए आपको, हम फाइनली आपको स्लाइड शेयर कर देंगे, लेकिन अभी फर्स्ट टर्न जब थोड़ा टाइम है तो आप अपने अपने वर्ड्स में लिखेंगे ना तो अच्छा होगा, किसी भी सिचुएशन में आपके फेस कर लेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं टाइम चाहिए आपको, ढेर सारे कोर्स करने हैं और हर एक कोर्स में आपके तीन तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन तीन टीचर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ही पढ़ना है या इसी को लिखना है, लेकिन थोड़ा टाइम इसको लिए भी देना है, उसी से हो जाएगा, जस्ट हाफ एन आवर फ्रॉम योर साइड तैयार हो जाएगा, एट द एंड एवरीथिंग विल बी रेडी फॉर यू, ठीक है? सो यू मे जस्ट ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।